फुल प्रूफ कार्डियो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। मैं इतने एनर्जी के साथ इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आप इस वजह से तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। तो अभी हम 1.5 घंटे का फुल कार्डियो करके आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज एक्चुअली बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। आज मैंने अगर नहीं मतलब बोला होता तो जगदीश तो सो ही जाते क्योंकि जगदीश की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो हमने आज आते आते एक स्वीट पोटैटो लाए है क्योंकि आज जगदीश का फास्ट है, ऑब्वियसली आज सैटरडे है। तो आज तो जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि बहुत दिनों से सैटरडे का वीडियो ही नहीं बनाया है मैंने। तो आज क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो मेरे को जगदीश के लिए कुछ बनाना है, मैं भी वही खाऊंगी। एक्चुअली स्वीट पोटैटो के पूरी बनती है वो मेरी मम्मी की, मतलब मम्मी के हाथ की तो सभी डिशेस अच्छी लगती है लेकिन मुझे ये डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई होप मैं कल बनाऊंगी क्योंकि कल संडे है, थोड़ा टाइम रहता है। तो लेकिन आज तो मैं इसके 2 डिशेज बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो देखते रहिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे वीडियोस एंड तक देखिए, आपको जरूर मजा आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। मॉर्निंग जगदीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। पेपर ही पढ़ते रहो तुम, घर में क्या है पता है तुमको? पता है क्या टमाटर के भाव कितने हैं? वो तो चलते रहता है। क्या चलते रहता है पेपर में, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या करना है अपने को? ओनियन का भाव कितना है, भिंडी क्या किलो है, फिर पेपर पढ़ के क्या फायदा? मैंने अभी क्या खाया, बादाम खाया तो मेरे दांत में उसका कवर चला गया। ठीक है चलो, फुल प्रूफ कार्डियो, 10,000 स्टेप्स हो गए हमारे। जो स्मार्ट वॉच है ये 14 फेब को ही जगदीश ने मुझे गिफ्ट दी थी। फिर मैंने उनको पूछा था कि मैंने कुछ गिफ्ट नहीं लाया था, फिर मैंने उनको पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो जगदीश ने बोला था कि तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे वो दे। तो मैंने बोला कि आपको भी स्मार्ट वॉच चाहिए क्या, क्योंकि उनको जिम का बहुत क्रेज़ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने उनके लिए भी एक लाई थी। तो हमारे पास दो है। तो जब ये वॉकिंग के लिए वगैरह हम जाते हैं तो पहनते हैं, तो उससे पता चलता है कि कितने कैलोरीज बर्न हुए, कितने स्टेप्स हुए, हार्ट बीट कितने हैं अभी। तो इस बार क्या देना है वो जगदीश बता नहीं रहे हैं। जगदीश क्या चाहिए तुमको अभी? कुछ नहीं चाहिए इस बार। नहीं नहीं, फिर भी वैलेंटाइन डे बाहर कुछ तो जाएंगे, घूम के आएंगे बस। बाहर मतलब? नहीं मतलब कुछ गिफ्ट तो चाहिए ना, वो तो जाएंगे। खाने में क्या है, खाने तो हर संडे खाते है ऐसे ही। नहीं, इस बार लेंगे, संडे को जाएंगे। सरप्राइज। यस। ये कुछ स्वीट पोटैटोज मैंने अच्छे से धो के इसको अभी बॉईल कर लूँगी, फिर इसमें दूध मिला के जगदीश खाएंगे, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरे पापा को भी बहुत पसंद है, तब लेकिन मुझे कुछ दिखे नहीं ये, मतलब स्वीट पोटैटोज अभी आज दिखे, हम वॉकिंग को गए थे इसलिए हमने लाया। तो ये जगदीश को बहुत पसंद है, तो थोड़ा उनके लिए, मेरे लिए छोटे छोटे पीसेस करके एकदम पतले, जो आँखों से भी नहीं दिखने चाहिए लेकिन मेरे ये दिख रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा घी में भून के इसमें शक्कर डाल सकते हैं और फिर ये बहुत ही यम्मी लगता है। शक्कर में थोड़ा सा आप इलायची वगैरह डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है तो आप डालो। और इसमें जगदीश का मैंने बॉईल करके अब इसमें दूध डालूँगी। मम्मी चली गई है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा, पापा एक्चुअली मम्मी को ही लेने आए थे, पापा और मैं थी। तब से बिल्कुल घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, हम दोनों को भी बोर हो रहा है, इवन घर आने की इच्छा ही नहीं होती क्योंकि काफ़ी दिन थी मम्मी, तो घर आने के बाद बात करना मतलब पता रहता था कि मम्मी है, तो मैं ऑलमोस्ट टाइम तो बिंदास ही रहती थी। मेरी मेड तो मेरे से ज़्यादा बिंदास रहती थी कि मैडम रहती है, क्योंकि मैं रहूँगी तब उसको टाइम लिमिट रहता है कि इतने टाइम में आ, क्योंकि मुझे क्लिनिक जाना पड़ता है। मम्मी रहती थी तो वो कभी भी आ जाती थी। मम्मी चली गई तो बहुत सारे कामों में मुझे
मतलब काम से ज्यादा मतलब बिंदास रहती थी मैं. हाँ ठीक है मम्मी है घर पे, कोई टेंशन नहीं है ऐसा वाला. और थोड़ा सा हैप्पी प्लेस रहता है, सेफ प्लेस रहता है, जैसे कि सलमान खान ने कहा है जन्नत रहती है, तो वही रहती है. लेकिन वो भी हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, तो आएंगे लेकिन जल्दी, नेक्स्ट या नेक्स्ट मंथ आएंगे, अप्रैल मोस्टली. सो पापा ने ऐसा प्रॉमिस किया है, उस बेसिस पे मैंने पापा को जाने दिया है, क्योंकि पापा बहुत कम दिन थे, 2-3 ही दिन थे. ये व्लॉग तो थोड़ा लेट आएगा, उसके पहले ही वो चले गए हैं. सो 2-3 दिन से फिर मेरी कोई इच्छा ही नहीं हुई व्लॉग करने की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मिट्टी के साथ व्लॉग किया था, तो मुझे वही याद आ रहा था, और घूमना फिरना, उसकी शैतानियाँ, सो वो सब याद आ रहा था. तो इसलिए 2-3 दिन व्लॉग ही नहीं कर पाई. लेकिन आज सैटरडे है तो मैंने बोला चलो आज तो बनता है सैटरडे हमारा, तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है. तो अभी सब काम हो गया है, पूजा भी हो गई है, और जगदीश चलेगा उनके हॉस्पिटल, अब मैं जाऊँगी मेरे क्लिनिक. इधर साइड में एक हुड़ा करके एक मतलब सीजनल फेस्टिवल जैसा ही मनाते हैं ये लोग. सीजनल रहता है, मतलब अब भी कुछ जैन फेब से स्टार्ट करते हैं वो लोग उसका. अब मैं हुड़ा मतलब मैं आपको अभी बता नहीं सकती वर्डिंग में, लेकिन मैं अगर आज हमारे बिल्डिंग में मतलब बोल रहे हैं कि उसका अरेंजमेंट करेंगे इधर ही. एक्चुअली वो खेतों में वगैरह जाके करते हैं, जिनके फार्म हाउस होते हैं, या फिर किसी के भी खेत में जाके, या कोई कोई तो मतलब पिकनिक स्पॉट पे वो पूरा वैसा ही एक माहौल क्रिएट करते हैं, उसमें वो सेलिब्रेट करते हैं. मतलब सब लोग जाते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली वगैरह. तो कुछ हमारी जो बिल्डिंग की जो महिलाएं हैं उन्होंने या हम सब ने ऐसा थोड़ा अरेंज किया है कि यहाँ पे ही कहेंगे करेंगे करके, क्योंकि किसी को टाइम लिमिट रहती है, किसी को बाहर जाना नहीं होता, तो यहाँ पे ही थोड़ा सा थोड़ा बहुत अरेंज करेंगे. तो अगर होगा तो मैं क्लिनिक के आने के बाद उनसे उनको ज्वाइन कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हुड़ा असली में होता क्या है, उसमें क्या क्या रहता है. सो अभी मैं हो गई हूँ तैयार, अब मैं निकलती हूँ क्लिनिक के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही लेट हो गया है. मेरी मेड मम्मी है करके लेट आई, और हम खाना बना रहे हैं, हम नहीं खाना बना रहे, मैं खाना बना रही हूँ, और जगदीश अपना जो स्पेशल है उनकी डिश, स्पेशल स्वीट डिश. क्या पानी गिर रहा है उधर, देखो पहले क्या है स्पेशल आपकी डिश. गाजर का हलवा. सो जगदीश बना रहे हैं गाजर का हलवा, और मैं खाना बना रही हूँ. एक्चुअली जगदीश सच में बहुत हेल्प करते हैं मुझे, क्योंकि मुझे भी जाना रहता है बाहर, और जाना रहे या ना रहे लेकिन घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, है ना जगदीश. हेल्प करना चाहिए, जल्दी हेल्प करोगे तो जल्दी जाने को मिलेगा, जल्दी खाना मिलेगा. ऐसे नहीं यार, हेल्प करना चाहिए, आदमी हो तो क्या हुआ. मेरे पप्पा तो बाप, इधर मेरा कुछ सामान रखा है इसलिए मेरा हाथ आ रहा है बीच में, लेकिन मेरे पप्पा तो इतना मेरे मम्मी को हेल्प करते हैं अभी भी. और आज मम्मी की बहुत याद आ रही है. हम एक्चुअली जो दोपहर का नैप लेते थे तो उसके बाद ना मम्मी मतलब मम्मी सोती नहीं थी उतना, तो वो उड़ जाती थी, कुछ करती रहती थी, तो फिर मुझे इतना टेंशन नहीं रहता था, या फिर वो उड़ गई तो मुझे पता लगता है अरे हाँ उठना है, अभी खाना बनाना है, क्योंकि हम खाना खा के क्लिनिक जाते हैं. सो उनकी बहुत याद आ रही थी आज, मतलब रोज ही आ रही है जब से वो गई है, लेकिन आज तो थोड़ा ज़्यादा ही आ रही थी. सो फिर उठ गई मैं, अभी खाना बना रही हूँ, और खाना खा के निकल, और जगदीश बना रहे हैं उनका गाजर का हलवा. ऐसा बोला जाता है कि मतलब वास्तु, मतलब घर की वास्तु ही ऐसी बनाई जाती है कि जब बीवी या घर की महिला जो है वो खाना बनाए तो घर का जो मतलब पुरुष या मुखिया हस्बैंड जो है वो ऐसे बैठ के मतलब अच्छे से देखे टीवी, अच्छे से आराम करे. मतलब देखो ना किचन का जो, अभी मेरा किचन तो पूरे बिल्डिंग में पूरे फ्लैट में बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी ये वास्तु जो है वो सबसे कॉमन है. तो देखिए आप, जगदीश आराम से बैठे हैं, मतलब वो हेल्प करते हैं ऐसी बात नहीं है, हलवा वही बना रहे हैं, लेकिन
वो ऐसे बैठते हैं, देखो वो आराम कर रहे हैं, मतलब हमेशा का सीन यही होता है। पर जगदीश के सीखना चाहिए, जगदीश बहुत करते हैं सच में, और करना भी चाहिए हेल्प। ऐसा नहीं है जो मतलब वर्किंग वुमन होती है उनका ही, उनको ही करना चाहिए। मेरी मॉम तो प्योर होम मेकर है, फिर भी मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आप सब लोगों ने भी करना चाहिए। जगदीश किचन। अभी जगदीश बताएंगे कि गाजर का हलवा कैसे करते हैं। सबसे पहले गाजर को बारीक किया, उसके बाद अभी घी डालेंगे और घी में परोसेंगे, थोड़ा सा फ्राई करना है रेड होने तक, तो इससे घी का टेस्ट अच्छा आ जाएगा और मोटापा भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा। नहीं हम एक्सरसाइज करते हैं ना रोज, कोई टेंशन नहीं, कितना भी खाओ नहीं, पर ऑयल से अच्छा थोड़ा सा घी माना जाता है, तो दैट इज ओके। हो गया, अभी इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक। यस, उसके बाद फिर शक्कर। और ये मेरी सब्जी हो रही है, मैं अभी रोटियां कर रही हूँ। तो अभी हम आ गए हैं क्लिनिक से, तो तभी आ गए थे, लेकिन नीचे मुझे कुछ मेरे दोस्त लोगों ने मुझे नीचे ही घेर लिया, और कुछ मैंने जैसे आपको दोपहर को बोला था कि आज कुछ तो भी प्लान था लेकिन वो नहीं हुआ, तो उसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए मुझे रुका दिया। तो अभी ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं और मैं अभी आई हूँ, अभी हम सीरीज शुरू करेंगे। जगदीश पी रहे हैं चाय, नहीं सॉरी दूध, क्योंकि उनको दूध पीने की इच्छा हो रही थी और ऑब्वियसली उनको दूसरा कुछ खाने को नहीं होता है क्योंकि अभी आज उनका फास्ट है। और मैं खा रही हूँ थोड़ा सा गाजर का हलवा, तब हमने नहीं खाया क्योंकि बहुत देर हो गई थी, जगदीश के पेशेंट थे, वेट कर रहे थे, और हमने खाना खाया और वैसे ही निकल गए। तो गाजर का हलवा मैं अब भी खा रही हूँ। सो देखते हैं सीरीज, वी ऑल ऑफ अस आर डेड, एक नंबर सीरीज है, प्लीज देखिए आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शायद चाय नहीं पी इसलिए मुझे तो मतलब एक ही बज रहा है, पर मुझे इतनी नींद आ रही है कि मुझे सो जाओ जैसा लग रहा है। पर कोई पनिशमेंट नहीं है कि जगना ही है करके, पर ऐसे ही जगदीश बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा जगते हैं, एक दो पार्ट रह गए हैं वो देख लेते हैं करके, तो हमारी खिदमत में जगदीश। ये वेज मंचाओ है और ये टोमेटो। ओके, और ये नहीं लेना चाहिए था, दूसरी लेनी चाहिए थी, जाने दो अभी। ठीक है, सूप पिएंगे और एक दो पार्ट देखेंगे। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। यस, और सो जाते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको पक्का अच्छे लगेंगे। सो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मेरी नींद उड़ गई अब तो। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।